केंद्रीय वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री का पद संभालने वाले 66 साल के अरुण जेटली की स्थिति गंभीर, दिल्ली के एम्स में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एम्स जाकर जाना हाल। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी मौजूद रहे। सांस लेने में तकलीफ और बेचैनी की शिकायत के बाद 9 अगस्त को एम्स में कराया गया भर्ती। सॉफ्ट टिश्यू कैंसर से भी हैं पीड़ित, किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है। 2 दिन के भूटान दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। दोनों देशों के बीच होंगे कई अहम समझौते। भूटान में छात्रों को संबोधित करेंगे पीएम। भूटान में पीएम मोदी रुपे कार्ड भी करेंगे लॉन्च। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुंग, भूटान के चौथे नरेश जिग्मे सिग्मे वांगचुंग और भूटान के पीएम डॉक्टर लोटे शेरिंग से करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से बौखलाए पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी मुंह की खानी पड़ी। भारत ने बताया आंतरिक मामला। चीन की मांग पर पाकिस्तान के लिए बुलाई गई बैठक में रूस ने लिया भारत का पक्ष, केवल द्विपक्षीय बातचीत का किया समर्थन। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अकबरुद्दीन ने कहा अनुच्छेद 370 भारत का आंतरिक मामला। जिहाद के नाम पर घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करे पाकिस्तान, 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य बैठक में हुए शामिल। घाटी में सचिवालय और दूसरे दफ्तरों में काम पहले की तरह शुरू। पुंछ और राजौरी में लैंडलाइन सेवा शुरू। जम्मू कश्मीर के 12 जिलों में सीमित बैन के साथ हालात सामान्य, कुछ जिलों में सीमित प्रतिबंध जारी, बाकी जगहों से धीरे धीरे पाबंदियां हटाई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया, सूत्रों के हवाले से खबर। अमित शाह की जगह जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक लद्दाख में करेंगे आदिवासियों से संबंधित आदि महोत्सव का उद्घाटन, 25 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह और ट्राइफेड के अध्यक्ष आरसी मीणा भी रहेंगे मौजूद। जनजातीय कला, संस्कृति और वन उत्पादों के लिए बेहतर बाजार मुहैया कराने की होगी कोशिश। योगी कैबिनेट में कई नए चेहरों को मिल सकती है जगह। नीलिमा कटियार, विपिन वर्मा, संजीव राजा, विजय बहादुर पाठक समेत दर्जनों विधायक बनाए जा सकते हैं मंत्री। पहलू खान मामले में राजस्थान सरकार की लापरवाही पर ट्वीट कर फंसी मायावती, राजस्थान के 6 पार्टी विधायकों ने मायावती के बयान को किया खारिज। आरजेडी के बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले, सभी विधायकों को 15,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया, आज दोबारा होगी बैठक। राजस्थान में उच्च शिक्षा को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने की बैठक, 50 नए कॉलेज खोलने की घोषणा। लगातार हो रही बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के 18 जिलों में बाढ़, निवाड़ी में बाढ़ में फंसे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए सेना की ली जा रही है मदद। मध्य प्रदेश के नीमच में बाढ़ की वजह से बस स्टैंड की दीवार गिरी, कई दुकानें सैलाब में समाईं। राजस्थान में भी जबरदस्त बारिश के बाद 6 जिले बाढ़ की चपेट में, राजस्थान के झालावाड़ में काली सिंध नदी में आई बाढ़ ने बड़े इलाके को डुबोया। केरल और कर्नाटक में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, अब भी राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं लोग। भारी बारिश के बीच चमोली में बादल फटने से कई घर क्षतिग्रस्त, कई की मौत। हल्द्वानी में बारिश के बाद गौला नदी, सूखी नदी, शहर के बीच से निकलने वाले नाले भी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने, भारी तबाही। राजस्थान के करौली में चंबल नदी उफान पर, कई गांव का मुख्यालय से संपर्क टूटा। एमपी के कई जिलों में 24 घंटे के भीतर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, रेलवे लाइन पानी में डूबने से ट्रेनें रुकी। आज से 2 दिन के लिए उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश के अलर्ट, गढ़वाल, कुमाऊं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, पिथौरागढ़, नैनीताल में भारी बारिश की चेतावनी। कोटा से सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया, बिरला ट्रैक्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में घूमे, हालात पर मुख्य सचिव से की बात। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारी बारिश के बाद बिजली गिरने से 1 की मौत, 16 घायल। कोलकाता में भारी बारिश की वजह से उड़ानें बाधित हो गईं, कोलकाता एयरपोर्ट पर आई 4 फ्लाइट्स को होल्ड पर रखा गया, जबकि यहां से उड़ान भरने वाली 5 फ्लाइट्स भी उड़ान नहीं भर पाईं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा मिले रेल मंत्री पीयूष गोयल से,
राज्य में रेलों की संख्या और सुविधा बढ़ाने की मांग। अमित शाह ने हरियाणा में चुनावी बिगुल फूंकते हुए कहा, तीसरी बार भी बनेगी मोदी सरकार, यानी 2024 में भी मोदी सरकार ही सत्ता में आएगी। पोखरण में राजनाथ सिंह ने न्यूक्लियर पॉलिसी पर दिया बड़ा बयान, अब तक हमारी पॉलिसी नो फर्स्ट यूज की रही है, लेकिन भविष्य में क्या होता है हालात पर निर्भर होगा। पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में राजस्थान सरकार का बड़ा कदम, जांच के लिए एसआईटी का गठन, 15 दिन में सौंपनी होगी रिपोर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रियंका वाड्रा के खिलाफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में मामले दर्ज, अलवर में गौ रक्षकों पर बयान देने का मामला। बिहार के बाढ़ में बाहुबली विधायक अनंत सिंह के घर पर छापेमारी, AK-47 बरामद, पुलिस ने की पुष्टि। बिहार के खगड़िया में अपराध पर लगाम नहीं, 5 दिन में हुई 5 हत्या, लोगों ने किया हंगामा। कर्नाटक के मंगलुरु में प्राइवेट लॉज से 9 लोग हिरासत में, वाहन पर नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो लिखकर देते थे वारदातों को अंजाम। दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल मयूर विहार में 1.5 साल से नहीं मिल रहा है रेबीज का टीका, जानवरों के काटने पर लगाना होता है जरूरी। अलवर मॉब लिंचिंग मामले में राजस्थान के श्रम मंत्री टीकाराम जूली का पीड़ित परिवार को आश्वासन, उच्च अधिकारी से कराई जाएगी निष्पक्ष जांच, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। राजस्थान में लूरी नदी में बड़े स्तर पर बजरी का अवैध खनन जारी, मूक दर्शक बना हुआ है पुलिस प्रशासन। पाकिस्तान के बाद अब भारत ने रोकी थार एक्सप्रेस, अगले आदेश तक जोधपुर कराची थार एक्सप्रेस रद्द कर दी गई। झाबुआ में बुजुर्ग ग्रामीण के ऊपर से गुजरी ट्रेन, बाल बाल बची जान, सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो, मेमो ट्रेन में सवार होते समय फिसला था बुजुर्ग ग्रामीण का पैर। सहारनपुर में सड़क हादसे में घायल शख्स को एम्बुलेंस नहीं मिलने पर बेहट के CHC में हंगामा, देर से एम्बुलेंस मिलने की वजह से शख्स की हुई मौत। जैसलमेर में ACB की बड़ी कार्रवाई, पोकरण के SDM को 45,000 घूस लेने के आरोप में किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तिगरा थाना परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम, विशेष नक्षत्र के हिसाब से मंत्रोच्चार के साथ थाना परिसर में लगाए गए पौधे। ग्वालियर IG राजा बाबू के निर्देश पर तैयार की गई नक्षत्र वाटिका में अलग अलग किस्म के 27 पौधे 3 अलग अलग सर्कल में लगाए गए, हर गांव में मंत्रोच्चार के साथ 1500 पौधे लगाने का लक्ष्य। सितंबर में हो सकती है केंद्रीय कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी, लेवल 4 से ऊपर के सरकारी कर्मचारियों को जुलाई और अगस्त के बढ़े हुए DA के रुपये कैश में मिलेंगे। जल्द शुरू होगी एक और डबल डेकर ट्रेन, रेलवे ने विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा के बीच नई ट्रेन शुरू करने का लिया निर्णय, ट्रेनों में होगी AC की सुविधा। देश में रोजाना बर्बाद हो रहा है 49 अरब लीटर पानी, नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद NGT ने जल मंत्रालय से मांगा हिसाब। UP के मथुरा में पेट्रोल पंप पर लाइव मारपीट का वीडियो सामने आया है, पेट्रोल पहले लेने को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद, CCTV के आधार पर पुलिस घटना की जांच में जुटी। राजस्थान सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में धांधली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, UP STF ने लखनऊ से 5 को किया गिरफ्तार, 61,50,000 रुपये बरामद। आगरा में सांप काटने पर अंधविश्वास, सांप काटने पर मरी बच्ची को जिंदा करने के नाम पर तांत्रिक घंटों खेलता रहा अंधविश्वास का खेल, लोग ताली बजाकर देखते रहे तमाशा। मलेशिया में मुस्लिम उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ जांच शुरू, अवैध गतिविधियों में शामिल होने पर मलेशिया सरकार छीनेगी नागरिकता। फिल्म और भारतीय विज्ञापन बैन के बाद अब पाकिस्तान ने एक और कदम उठाया, भारतीय फिल्मों की CD की बिक्री पर भी पाबंदी लगाने की योजना बनाई। पाकिस्तान में रोटी कपड़ा तेल और दूध के बाद अब मकान भी महंगे हो रहे हैं, खाने की चीजों के बाद अब रेंटल प्रॉपर्टी भी महंगी हुई। बलूचिस्तान की मस्जिद में विस्फोट, 5 की मौत, 15 घायल, IED के जरिए हुआ ब्लास्ट। रवि शास्त्री दोबारा चुने गए भारतीय क्रिकेट टीम के कोच, पूर्व क्रिकेटर कपिल देव की कमेटी ने इंटरव्यू के बाद रवि शास्त्री को बनाया कोच।